बिहार खतरे में है, डैम बनना चाहिए। गरीबों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? सब अमीरों के लिए काम हो रहा है। इतना महंगाई में 5 किलो में क्या होगा? हमें तो नचाया जा रहा है। कौन नचा रहा है? पूरी दुनिया, सरकार। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद खतरा है। ये कैसे बोल सकते हैं? मैं बोल सकता हूँ। जो फसल होती है तो कभी बाढ़ से उस फसल को खत्म कर दिया जाता है, कभी सुखाड़ से। पानी आती है नेपाल से, और नेपाल सरकार को दोनों देश बात करके तब इस समस्या का निदान किया जाएगा। तो ये लूट का एक जरिया बना हुआ, अगर ये बन जाएगा तो लूट जो होता है वो बंद हो जाएगा। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूँ। मेरे पीछे वो पोस्टर आप देख सकते हैं, जो इस पोस्टर में लिखा हुआ है बिहार में बाढ़ सुखाड़ से स्थायी निजात दिलाने के लिए, बिहार वासियों को सस्ते बिजली उपलब्ध के लिए बहुउद्देशीय हाई डैम निर्माण वास्ते एक दिवसीय धरना है। आप लोग सोच सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप मेरे चारों ओर लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये सारे बिहार से आए हुए हैं, और हम लोग इनसे बात करते हैं कि इन लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। जैसा कि पोस्टर में लिखा है कि जाहिर सी बात है बाढ़ को लेकर दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है? क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो बिहार है, उत्तर बिहार, उत्तर बिहार में जो फसल होती है तो कभी बाढ़ से उस फसल को खत्म कर दिया जाता है, कभी सुखाड़ से। तो हम लोग लगातार बहुत पहले से यह लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ डैम बने। जैसे आपको पंजाब में जो है सो भाखड़ा में डैम बना, तो पानी को नियंत्रित करके जरूरत के मुताबिक पानी को जो है सो सप्लाई किया जाए, जिससे जो है सो बाढ़ से भी बच सके और सुखाड़ से भी बच सके। यही डिमांड के लेके हम लोग यहाँ जाए हैं दिल्ली में। बिहार सरकार क्या कह रही है? बिहार सरकार का ये मामला नहीं है, ये मामला है आपको केंद्र सरकार का। और वो पानी जो आती है, वो पानी आती है नेपाल से, और नेपाल सरकार को दोनों देश बात करके तब इस समस्या का निदान किया जाएगा। बिहार सरकार का ये मामला नहीं बनता। उत्तर बिहार, आपने बोला उत्तर बिहार में कौन कौन से जिले आते हैं? दरभंगा, उसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय है, उसके बाद आपको खगड़िया है, सीतामढ़ी है। इस ढंग से लगभग 26-16-17 जिला आ जाता है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से बात तो की होगी? इससे पहले हमारे एक सांसद भोगेन झा हुआ करते थे, वो लगातार इस संबंध में केंद्र सरकार से लेके और नेपाल सरकार तक वार्ता किए। कई बार इस पर जो है सो काम भी शुरू हुआ, लेकिन कुछ काम होता है फिर सरकार उसको बीच में छोड़ देती है। सरकार के नॉलेज में है, सरकार इसका जो है सो एस्टिमेट बनाया, इसके परियोजना बना, काम किया, लेकिन उसको फिर छोड़ दिया जाता है। केंद्र सरकार ने क्या वजह है छोड़ देने का? कहीं इसका वजह बिहार सरकार? उसके पीछे वजह ये है कि लोगों का कहना है कि जब वहाँ बांध टूटेगा, सड़क टूटेगा, स्कूल टूटेगा, बाढ़ आवेगी, तो रिलीफ के नाम पर लूट होता है। लोग सरकारी पैसा का दुरुपयोग करते हैं, क्यों? तो ये नुकसान हो गया, सरकार इतना पैसा दे, तो ये लूट का एक जरिया बना हुआ, अगर ये बन जाएगा तो लूट जो होता है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए राजनेता अपने लूट का जरिया बना। कब से आप लोग धरना दे रहे हैं? पहली बार है? नहीं, इससे पहले हम लोग बिहार में कई एक बार धरना जो है दिया गया, पर दिया गया। बिहार सरकार का कहना कि केंद्र सरकार से वार्ता होगा इस पर। बिहार सरकार बात कर रही है या नहीं? बिहार सरकार तो इच्छुक है, लेकिन बिहार सरकार डायरेक्ट बात नहीं करके हम लोग के थ्रू हम लोग अपना दबाव बना के आंदोलन संघर्ष करके। केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन आप लोग के बजाय अगर बिहार सरकार बात करे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। निश्चित आपका कहना सही है, हम लोग बिहार सरकार से भी मेमोरेंडम दिए हैं, मिले हैं, अपनी बात रखे हैं, एक दबाव के तहत यहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं। ज्यादा इम्पोर्टेंट, ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो आप लोगों की जो फरियाद है, ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो बिहार महिला समाज के तरफ से। आप लोग जो मांग कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो, इसीलिए सरकार आप लोग पे ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा भी तो हो सकता है। वो भी एक कर दिया कि एक चीज है कि कुछ राजनेता इसको नहीं चाहते हैं कि कर दे कि ये लूटने का आधार है। जब टूटेगा सड़क, टूटेगा विद्यालय, टूटेगा जो सो रिलीफ का समय आवेगा, लूट होगा, जब बन जाएगा तो फिर उसका नहीं हो पाएगा। कौन लूट करती है? कौन लूट करती है? राजनेता से, बिहार के राजनेता। अच्छा, तो मतलब बिहार की सरकार भी धांधली कर रही है। राजनेता जो इच्छुक होना चाहिए नहीं इच्छुक होते हैं, इस पर नहीं इंटरेस्टेड होते हैं, नहीं चाहते हैं कि काम हो। क्या लग रहा है, केंद्र सरकार बात सुनेगी? प्रयास करने से सुनेगी, आज नहीं सुनेगी कल सुनेगी, बड़ी लड़ाई लड़ी आ जाएगा, नहीं सुनेगी। कह रही है
केंद्र सरकार जो है काम अच्छा नहीं कर रही है, लोकतंत्र खतरे में है, तो इसी बीच में आप लोगों की बात सुनी जाएगी। ये बात आपका कहना सही है कि जो स्थिति है केंद्र सरकार इसलिए नहीं कर रही है कि केंद्र सरकार के तो दिमाग में है कि हम जो है सो सांप्रदायिकता के नाम पर हम जो है सो वोट लेते हैं, हमारी सरकार बनती है इसीलिए वो क्यों काम करेगी। ये बात आपका कहना सही है, लोकतंत्र खतरे में है ही। सांप्रदायिक के नाम पे आपने बोला खतरे, किस तरीके का सांप्रदायिक दंगा? देख नहीं रहे हैं आपके जो है दिल्ली में ही अक्सर जो है सो कुछ ऐसा बात होती है, शहर का नाम बदला जाता है, धर्म के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, माल बीजिंग किया जाता है, इस ढंग से आप सब कुछ देख रहे हैं लोग। क्या दिक्कत है, राम राज आना चाहिए, अल्पसंख्यक को खतरा है। राम राज लाना, राम राज जो लाना है वो कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन राम राज के राज इसमें जो है गलत अफवाह फैला के एक समुदाय को डराना, धमकाना, उसके साथ शोषण करना, उस पर अत्याचार करना। जो सरकारें हैं, जो लोग हैं, वो कहती है कि मुसलमान जो है शोषण कर रहे हैं अल्पसंख्यक। मेरा कहना आप ही बतला दीजिए, कहीं भी 80% के विपरीत 20% उस पर क्या शोषण कर सकते? क्या नाम है? अहमद अली तमन्ना। इसीलिए आप बोल रहे हैं? जी जी नहीं, आप लोग पे शोषित है, आप शोषित हैं। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं। तो बिहार में भी आप लोग शोषित हैं कि बिहार में ठीक है? मेरा कहना है कि बिहार में तो अभी तक तो लोग जो है सो ये है, लेकिन जो उसके लोग है वो हमेशा चाहते हैं। अभी देखें रामनवमी के समय में भी उन्होंने बहुत जगह चाहा कि इस ढंग से प्रयास किया जाए, तो वो तो चाहेंगे प्रयास किया जाए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र खतरे में है? नहीं नहीं, हमने कुछ कहेंगे, आप इनसे पूछिए। क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र खतरे में, बिहार खतरे में है, डैम बनना चाहिए। हाँ। जो बिहार का विकास आसान हो जाए। केंद्र सरकार क्या कह रही है? केंद्र सरकार कुछ करने वाली है क्या? सरकार तो राम राज ला रही है, कितना अच्छा टीका उका लगा के बजरंग बली पहन के आए, क्या चाहिए आप? हिंदू राष्ट्र हो रहा है। हाँ? हमें तो डीएम चाहिए, बिहार का विकास चाहिए बस। राम राज नहीं चाहिए? राम राज तो चाहिए, राम राज तो सब राम का सब नाम लेते हैं सुबह शाम। हाँ? राम का नाम ऐसा कोई नहीं है जो इंसान नहीं लेता। हाँ? सुबह उठते हैं राम नाम, राम नाम ही सबसे बड़ा नाम है। केंद्र की सरकार पे आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार? अरे किसी कहने से थोड़ी वो राम नाम लेगा नहीं लेगा, हिंदू राष्ट्र तो बन रहा है। हिंदू राष्ट्र तो वैसे ही है, हिंदू राष्ट्र तो है ही है। केंद्र सरकार पे आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं, बेकार की बात है ना। क्या लग रहा है, डैम बन जाएगा? डैम अब सरकार चाहे तो बन जाएगा, नहीं चाहेगी तो नहीं बनेगा। सरकार तो गरीबों के लिए ही काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है। सरकार बस अपना काम कर रही है बस। क्या सरकार काम कर रही है गरीबों के लिए? गरीबों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो किसके लिए हो रहा है? सब अमीरों के लिए काम हो रहा है। ये कैसा आप बोल रहे हैं? गरीब बोलिए, बोलिए। नहीं नहीं नहीं, सरकार गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है? नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रही है, इतना महंगाई हो गया है। क्या अरे 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है यार, बात कर रहे हैं। क्या माँ राशन दे रही हो? क्या राशन, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है? कितना, 5 किलो 10 किलो से क्या होता? तो क्या 5 किलो उससे क्या होता है? फ्री में तो खा रहे हैं। 5 किलो क्या घर, 5 किलो क्या पूरा घर का खर्चा चल जाता है क्या? इतना महंगाई में 5 किलो में क्या होगा? आप बोले अमीरों को अमीर बना रही है, कैसे कैसे? गरीब लोग तो गरीब होती रहे, इतना महंगाई कर दिया, लोग क्या करेगा? मजदूरी लोग मजदूर कुछ कोई गुजारा नहीं है। डैम जो आप बोल रहे हैं, डैम जब नहीं बने उससे क्या क्षति हो रहा है? बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं नहीं, डैम बनना ही चाहिए भोरा कुंड में। जो डैम बन जाएगा तो हम सब के लिए लग रहा है डैम बन जाएगा। क्या लग रहा है, लोकतंत्र खतरे में है पूरा अच्छी तरह से? कैसे मैडम, देख ही रहे हैं आप, हमसे क्यों उगलवाना चाह रहे हैं आप? उगलिए ना। नहीं उगला है, नहीं लोकतंत्र मुझे तो नहीं लग रहा है। दूरी रही है थोड़ा, लोकतंत्र खतरे में है मैम। कैसे खतरे में? राम राज मिल रहा है आप लोगों को, 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, क्या दिक्कत है? पहले भी तो हिंदू राष्ट्र था। कैसे? हिंदुस्तान नहीं था पहले? हिंदुस्तान था ना पहले, भारत था, अब हिंदुस्तान नहीं, शुरू से है हिंदुस्तान। और मेरे करने से थोड़ा हो जाएगा, मैं तो बच्चा आदमी, कठपुतली, हमें तो नचाया जा रहा है। कौन नचा रहा है? पूरी दुनिया, सरकार। सरकार तो अच्छा काम कर रही है, महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रही है, गरीबों के लिए अच्छा। क्या किया महिलाओं के? महिलाएं सुरक्षित हैं? पहले नहीं थी? पहले नहीं थी, लव जिहाद होता था, अब इसमें लव जिहाद नहीं होता। मुझे लव जिहाद अब भी हो रहा है, और आप लोगों के पास काफी खबर आता है इसका, लव जिहाद का, जो आप शो भी दिखाते हैं। तो अल्पसंख्यक मुसलमानों से खतरा है? पूरा खतरा है, अच्छी तरह से। तो सही है, खुश हो जाइए, तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है।
सर मेरा एक ही मतलब है, खुद खुश रहिए और बढ़िया रहिए तो सामने वाला भी खुश रहेगा। तो नहीं, जब आपको लग रहा है कि खतरा है तो क्या दिक्कत है? मोदी सरकार तो खतरा तो भिड़ेंगे हम, हम लोग पब्लिक हैं, भिड़ेंगे, जहाँ खतरा देखेंगे भिड़ जाएंगे। क्या लग रहा है? अरे बोलिए बोलिए। अरे मैं बोल रहा हूँ भाजपा खुद खतरा है। ये कैसे बोल सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ, मैं रामराज ला दिया, राम मंदिर, रामराज पहले से रामराज नहीं था क्या? राम मंदिर बना था क्या? अभी राम राम जन्म जन्मांतर राम देगा, खाना नहीं देगा, खाना दे देगा, दुकान लगा लीजिएगा राम मंदिर के बाहर। मैम हमारे राम नाम लेते हैं, दुनिया लेती है राम नाम। क्या लग रहा है, डैम बनेगा? डैम काम है, वो काम है, डैम काम वो काम करवाना चाहिए सरकार को, जिससे बिहार का मतलब विकास हो, बिहार के लिए उसका मतलब बिहार का फायदा हो। वो काम तो कर नहीं रही है राम राय दुनिया। सरकार से बहुत जनता जो है ना बहुत प्यार कर दी, आप लोग बदनाम कर रहे हैं सरकार को। क्या जी, सरकार क्या काम? चलिए आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग डैम के लिए यहाँ पे आए हैं और लगातार केंद्र सरकार पे हमलावर हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो काम नहीं कर रही है, भाजपा खुद एक खतरा है। आप लोगों को क्या लग रहा है, बिहार में ये लोग पहले भी धरना दे चुके हैं डैम को लेके? उत्तर बिहार में ये सारी जो छतियाँ होती है, नेपाल से पानी आता है ऐसा ये लोग कह रहे हैं कि नेपाल से पानी आने की वजह से जो है दिक्कतें हो रही है जो उत्तर बिहार के लोगों को, उसमें समस्तीपुर दरभंगा ये सारे जिले आते हैं उसके अंदर। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार कब तक इनकी बात सुनेगी, कब तक डैम बनाएगी? आप लोग की पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।